कॉलेज के दोस्त भी मंगवाते थे कि तुम लेके आया होगा तो कुछ ना कुछ। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। यार मेरे थोड़े से बाल भी खराब से हो रखे हैं क्योंकि मैं बहुत देर से सुबह से बैठा हुआ यहाँ पर और अभी तक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आ रही इस इंटरनल की। 11 बजने वाले और मैं ऐसे उठ के आ गया और बैठ गया यहाँ पर कि भैया फटाफट इंटरनल की तैयारी कर लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही तैयारी के चक्कर में। पर बस आ जाए मैसेज या कुछ मैम का, क्योंकि कब से सबके सब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैम से, पर मैम कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही हैं या फिर पिक नहीं कर रही हैं कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं हो रहा है। तो बस देख रहे हैं यार कब तक स्टार्ट होगा, आधा घंटा और हो गया। यार मैम की अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि इंटरनल कब होना क्या होना है। तो तब तक मम्मी मेरे कॉफी लेके आ गई कि भैया थोड़ी देर तो जरा सह लूंगा जरा भूख को। और मैंने कॉफी में आराम से नेस्कैफे डलवा रखा है और दूध बस, और चीनी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल पी रहा हूँ और इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है। यार टाइमिंग देखो 2:36। यार सच्ची में दिमाग खराब हो गया यार, इतनी देर तक चला। अरे यार एक दिक्कत आ गई थी इसमें कि मेरी आवाज़ मैम के पास नहीं जा रही थी पर मैम की आवाज़ मुझे आ रही थी। और एक दिक्कत और कि भैया जिस टाइम मैम ना मतलब मेरे से इंटरनल ले रही थी उसी टाइम कॉल आ रहे हैं, कॉल पे कॉल। वो भी उनका आ रहा था कि मतलब खेलने के लिए बुला रहे थे वो, कि आज चल कहीं खेलने के लिए चलते हैं भाई, क्रिकेट खेलने के लिए मतलब बोल रहे थे। तो मेरा मन नहीं था जाने का। और यार बताओ यार जिस टाइम मेरा चल रहा उसी टाइम कॉल आ रहा है, ये मेरे साथ दूसरी या तीसरी बार हुआ है, पर उस टाइम किसी और ने करा था। पर इस टाइम बार बार कॉल। मैम फिर वही कहने लगी कि अभी मत दो, सीधा तुम दोगे लास्ट में, नहीं तो मेरा 1 बजे ही खत्म हो जाता और पूरा 2:30 बजे के टाइम एग्जैक्ट ओवर हुआ मेरा। और अब रिलीफ मिल रहा है, मम्मी कम से कम 10 बार ही आ गई कि तूने खाना नहीं खाया, नीचे आ, कब खाएगा, क्या खाएगा, कब खाएगा, किस टाइम खाएगा, बहुत देर हो गया तेरे को, कुछ तो खा ले। और मैं बस उसी में लगा रहा कि भैया अब नंबर लास्ट में आएगा मेरा। फिर लास्ट में नंबर आया, बस हो गया अच्छे से, दे दिया भाई अच्छे से। और वो ये कि यार आधा पूरा का पूरा दिन ही निकल गया मेरे हिसाब से, आधा दिन ऐसे ही निकल गया। अब जाता हूँ सीधा नीचे, मम्मी को भी बताता हूँ कि भैया हो गया इंटरनल, अब कुछ खा लेता हूँ भाई नीचे जाके, ठीक है। तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में आप सबसे और पूरा ये समेट लेता हूँ पहले। समेटने में ही टाइम लग जाएगा भाई। हो गया मेरा, हो गया भाई, हो गया। हाँ मम्मी भी बार बार आ रही थी चार्जर के लिए, इंटरनल ही नहीं हो रहा था तब से, तो भैया लगेगा ना। तो यार अभी भी समेटना ही है भाई, बहुत टाइम लग रहा है। अभी मम्मी से डांट खाता हूँ पहले, देखना मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। देखा बता रहा था ना मम्मी, एक और चूहा पकड़ा गया। अरे भाई ये पांचवा चूहा है यार, देख रहे हो 2 दिन में पांचवा चूहा है। सच्ची में पता नहीं कहां से आ रहे हैं भाई, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। तो मम्मी गरम गरम रोटी बनाने रखी रही है, हरी सब्जी आई थी, हाँ मिक्स। और क्या बनाया भाई? अरे वो यार वही था ना, मैं इंटरनल उसमें लगा हूँ। अरे मैम ने पहले टाइमिंग का नहीं बताया, फिर एकदम से टाइमिंग का बताया 12:30 बजे। मैम 1 बजे के टाइम आई, हाँ बना दो बना दो। तो भाई अब लग रही है धीरे धीरे करके भूख, धीरे धीरे करके, हाँ सही में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मम्मी को मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, मम्मी मैं खेलने जाऊँ, ये देखा तो नहीं जा रहा मैं खेलने के लिए। ये भैया खा के थोड़ा सा आराम कर लूंगा भाई, यार 3:30 बजने वाले हैं। मैं देखो यार तो और कितने बजे, देखो मैं मम्मी बताएंगे, मम्मी कितने बजे से बैठा हूँ छत में? 9 बजे से, और आप आए 2:30 बजे के टाइम नीचे, तभी तो बता रहा है टाइमिंग का। और बनी कुकी भी नहीं दिखाया आपको, दिखाता हूँ। कहाँ में, लास्ट कमरे में ही आवारा गर्दी कर रहे हैं। ये बंदलिया दिख गई, बंदलिया खा ली है, बंदलिया देखता हूँ बंदल का है। ये बंदल भी ये ला, बस आराम करने तो खा यार बंदलिया, तू खा, खाना यार कहाँ डाली है, अंदर दाना अंदर, ये ले दा। ये भाग गई, भागी हीरो के साथ भाग गई। अरे रे 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 चबा रहे हो, गत्ते खाते रहेंगे वो जी। तो बस जब ही बाहर निकलना हो यहाँ से निकलेंगे और खाएंगे। तो मम्मी बस 10-15 रोटी बनाना मिलने, नहीं मतलब रोटी बना के, हाँ वो घी लगा देना ठीक है उसमें। और सुबह का दिन का भैया एक बार ही खाने में दबा के खाना है। अब इसके बाद बचा सिर्फ एक इंटरनल बचा है कल, और भैया बदकिस्मती की बात उसके 2 दिन बाद एक्सटर्नल शुरू फिर दोबारा से, तो आधे एक हफ्ता और जाने वाला है भाई।
तो खा ले तो खाना, फिर उसके बाद मिलता हूँ। सो यार, आप सब कह रहे होंगे फिर दोबारा से किचन में आ गया। उसका रीजन ये है क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैंने एक ही बार खाया आज खाना, मतलब 3 बजे के टाइम, 3:30 बज रहे थे उस टाइम। तो तब से भैया थोड़ी देर तुम खा भी लो, उसके बाद फिर भूख लगती है ना, तो मुझे भी भूख लग रही है, 7:15 हो रहे हैं अभी। तो भैया मैं अपने लिए बना लेके आया हूँ अभी बाहर से नमक पारे लेके आया हूँ भाई, क्योंकि मेरा मन कर रहा था आज खाने का। नमक पारे आप लोगों को पता ही होगा, कोई मठरी बोलता है इंदौर में, मठरी कहते हैं इसे, और शक्कर पारे, ये नमक वाले हैं तो इसको नमक पारे कहते हैं। उधर MP में मिलते हैं वो मीठे वाले, तो उसको कहते हैं शक्कर पारे, मठरी शक्कर पारे ऐसे कुछ कहते हैं। तो वही मुझे भूख लगी थी तो हल्का फुल्का खाने के लिए मैं आज ले आया, क्योंकि कभी कभार ही खाता हूँ, कभी पता है। पर अभी 3 दिन पहले भी मैंने खाया था, पर वो समोसे खाए थे, तो इतना यार खाने में क्या जा रहा है भाई, समोसे नहीं ला रखा मैं अपने लिए, शायद यही ला रखा हूँ, नमक पारे लेके आ रखा हूँ, तो भैया वही खा रहा हूँ और अपने लिए। और आप सबको भी पता है भाई, अगर मैं कोई ऑयली थिंग खा रहा हूँ ठीक है, तो मैं अपने लिए चाय बनवाता हूँ, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चाय बनाता कैसा होता है। तो भैया मैंने सिर्फ ली है, ये दिख रहे हैं दूध, ओनली दूध ले रखे, कुछ इसमें मिक्स नहीं है, ना पानी ना कुछ, नहीं तो सब चाय किसी बनाते हैं, पानी की बनाते हैं वो तो बनता ही है। तो अपने लिए देखो मैं क्या डाल रहा हूँ, दूध मैंने डाल दिया, अब मैं डालूंगा इसमें थोड़े से, बस क्या बोलते हैं, पत्ती, अपने लिए थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ चाय पत्ती, हल्का सा, दिख रहा है जी, बस थोड़ा मतलब रंग आ जाएगा उसमें, क्योंकि मुझे अपनी आदत नहीं बनवानी है पीने की, बस आदत उस चीज की है, तली हुई चीज खा रहा हूँ तो भैया उसमें, तो भैया मैं चाय पीऊंगा। उसका मेन रीजन आप सबको भी पता होगा कि अगर ऑयल थोड़ा सा भी आपके गले में है ठीक है, लग रखा है, होता नहीं करता तुम कितनी बार, तो कफ से जम जाता है, तो अगर चाय पीते हो तो उसके वजह से क्या होता है, गले में जब जाता है तो पूरा ऑयल वॉयल सब अंदर चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, सबका सब वेस्ट के थ्रू निकल जाता है, आप सबको भी पता होगा। इसमें मैं भी मीठा भी कुछ नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं लास्ट में इसमें गुड़ डाल दूंगा, जैसे ही गर्म हो जाएगा, आप सबको पता है मैं मीठा वाला नहीं खाता। गुड़ हो गए, इसकी पूंछ बंद कर दी, तो सो अभी नहीं बना है, कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया हमने। ओह माय, अबे साले काम बढ़ गया है यार, ठीक है ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो यार मैंने सारा साफ कर दिया, वैसे भी मेरे को सीखना तो है ही इतना भी, क्योंकि मैं जब इंदौर में भी जाऊंगा तो मुझे ही खुद ही करना पड़ेगा, अगर मैं अलग से रूम लूंगा तो खुद ही करना है, तो भैया सीखना तो कर ही सकता हूँ भाई, ठीक है सारा हो गया। और ये गुड़ मैंने तोड़ लिया अपने लिए, और ये चाय में डाल रहा हूँ, ठीक है डाल दिया, और फिल्ड आ गया भाई, छन्नी छन्नी, दैट्स माय छन्नी। ये एक पर्सन के लिए काफी है, सो ठीक है, काफी जने चाय पत्ती भर भर के डालते हैं, तो भर भर के नहीं डालनी चाहिए, बस इधर मैं इसको बस मिक्स कर ले हूं। मिक्स होकर थोड़ा सा मीठा हो जाएगा कहीं। और मैंने इसमें पहली गुड़ इसलिए नहीं डाला क्योंकि फट जाती है चाय, इसीलिए। तो भाई ये रहे मेरे नमक पारे, तो बस इसको मैं एंजॉय करता हूँ। और घर की बनी हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं बाहर की भी बनानी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने शुरू तो कर दिया है पर और आने वाली है। और यार एक चीज और बताता हूँ सबको, जब वहां पर हॉस्टल में कोई भी लेके, अब भी आते थे वापस हॉस्टल के लिए, तो मैक्सिमम बंदे यही लेके आते थे, शक्कर पारे, नमक पारे, मैं लेके आता था नमक पारे, और सब लाते थे शक्कर पारे, मतलब मीठा वाला। तो मुझे ये भी ध्यान आ गया कि कभी भी जैसे छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी हमारी कॉलेज की, और उसमें क्या होता था कि हम दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो बिल्कुल आगे की साइड था, तो वहां पर फिर जाने के लिए वहां से व्हीकल नहीं होती थी हमारे पास, तो फिर उधर ही रहते थे। तो घर से लेके आता था, कोई लड्डू लेके आ रहा है, कोई नमक पारे लेके आ रहा है, कोई शक्कर पारे लेके आ रहा है, कोई मठरी लेके आ रहा है, कोई मट्ठी लेके आ रहा है, तो किसी न किसी के बैग में से या फिर किसी न किसी के कवर्ड से हमेशा निकल जाता था कुछ ना कुछ, दबा के खाते थे भैया, बैठे हुए 4-5 जने हम सब, और खा रहे हैं भैया दबा के, और एकदम मजा आता था खा के। कॉलेज के दोस्त भी मंगवाते थे कि भाई लेके आया होगा तू कुछ ना कुछ, सही बता कुछ ना कुछ लेके आया होगा तू, लेके यार लेके आना है हिमांशु यार। फिर लेके आता था मैं, तो यार आज बना भी लेके भी आ गया, ये खा भी रहा हूँ, तो बस ये चीज भी मेरे को याद आ गई। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।